हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं भूंदड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है दोस्तों एम जी टी सेवन एनुअल रिटर्न को कौन साइन करता है क्या कहता है कंपनीज एक्ट चलिए जान लेते हैं सेक्शन नाइन्टी टू जो है वो एनुअल रिटर्न की बात करता है मतलब एम जी टी सेवन की बात करता है तो एम जी टी सेवन में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं वो सबसेक्शन वन के अंदर लिखा हुआ है और सबसेक्शन वन के एंड में लिखा हुआ है एंड साइंड बाय अ डायरेक्टर एंड यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंड द कंपनी सेक्रेटरी मतलब डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा एम जी सेवन जो है वो साइन होगा और वेयर देयर इज ए नो कंपनी सेक्रेटरी मतलब अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब अगर कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से आप साइन करवा सकते हो लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन रिलेशन टू वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी एनुअल रिटर्न शैल बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी और वेयर देर इज़ ए नो कंपनी सेक्रेटरी बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी मतलब कि जो स्मॉल कंपनी है या ओपीसी है तो वहाँ पर केवल कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा और डायरेक्टर साइन कर देगा वहाँ पर पी से साइन करवाने की जरूरत नहीं है अब बात करते हैं सब सेक्शन टू में क्या लिखा हुआ है सब सेक्शन टू कहता है एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल एंड टर्न ओवर एज मे बी प्रस्क्राइब्ड सेल बी सर्टिफाइड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन प्रस्क्राइब्ड फॉर्म अब वो प्रस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा होगा दैट इज एम जी टी दैट इज एम जी टी एट तो एम जी टी एट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सर्टिफाई करेगा कि जो एनुअल रिटर्न हैं डिसक्लोज द फैक्ट करेक्टली एंड एडोकेटली एंड दैट द कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट इसका मतलब है एनुअल रिटर्न को मतलब एम जी टी सेवन को जो कि लिस्टेड कंपनी है और कंपनी जिसकी जो पेड़ अप कैपिटल जो है वो टेन करोड़ या उससे ऊपर होगी और जो टर्न ओवर होगा वो फिफ्टी करोड़ या उससे ऊपर का होगा उसको कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है वो सर्टिफाई करेगा किस फॉर्म में सर्टिफाई करेगा एम जी के अंदर अब देख लेते हैं ये एज मे बी प्रस्क्राइब में क्या लिखा हुआ है मैं बात करूं रूल इलेवन की जिसमें बात करता है इसके सब क्लास टू में द एनुअल रिटर्न फाइल्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ टेन करोड़ और मोर एंड टर्न ओवर फिफ्टी करोड़ और मोर शैल बी सर्टिफाइड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड सर्टिफिकेट शैल बी इन फॉर्म एट तो इसका मतलब ये फॉर्म एट को सर्टिफाई करने की बात कर रहा है न कि फॉर्म को साइन करने की बात कर रहा है फ्रेंड्स अब देख लेते हैं एम जी टी एट जो बात करता है सर्टिफिकेट बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जिसमें लिखा हुआ है कि आई एव वी हैव एग्जामिन द रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड बुक्स एंड पेपर ऑफ़ सो एनसो कंपनी इट मीन्स द ऑल द रेगुलेशंस ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट हैज़ बीन कंप्लाइड बाय द कंपनी एंड

वहाँ पर कंप्लाइंस ऑफ सब सेक्शन टू ऑफ सेक्शन नाइन्टी टू मैंशन है मतलब जो हमने नाइन्टी टू उसके सब सेक्शन में टू में पढ़ा था नाइन्टी टू के सब सेक्शन टू में वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि वो कंपनियाँ जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं और जिनकी पेड अप कैपिटल दस करोड़ या उससे ज़्यादा हो और टर्नओवर फिफ्टी करोड़ से ज़्यादा हो उनको एक फॉर्म uh, सर्टिफाई करवाना पड़ता है एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में मतलब कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफाई करेगा एनुअल रिटर्न को इन फॉर्म नंबर एट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एम जी टी सेवन के अंदर तो इसका मतलब जो वहाँ पे जो सब सेक्शन टू के अंदर जो वर्डिंग्स लिखी हुई है वो एम जी टी एट के लिए है तो यहाँ पर जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है उसका यहाँ पे नाम आएगा उसका सी ओ पी नंबर और नीचे ये यहाँ पे लिख रहा है कि आई आर वी सर्टिफाइड दैट राइट और यहाँ पे डिजिटी साइन कौन करेगा डायरेक्टर करेगा और अगर कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी के अंदर तो कंपनी सेक्रेटरी करेगा अगर नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस करेगा तो आई होप फ्रेंड्स आपकी एम्बिगिटी जो थी कि कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा अगर कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी में या नहीं तो आपका क्लियर हुआ होगा आशा करता हूँ अगर आपके कोई डाउट हो अभी भी इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं हम आगे भी इसी तरह की वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे आप स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे जय हिंद बाय बाय